मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी मितान योजना की इन दिनों खूब चर्चा है। अब ये योजना बालोद नगर पालिका क्षेत्र में भी शुरू हो गई है। इसमें सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जैसे दस्तावेज घर बैठे प्राप्त होगा। इसी सिलसिले में विधायक संगीता सिन्हा, नापा अध्यक्ष विकास चोपड़ा, कलेक्टर कुलदीप शर्मा मितान बन कार्ड लेकर पहुंचे हितग्राही के घर और आवेदकों द्वारा चाही गई सेवा प्रदान किया। इस पर हितग्राहियों का कहना था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष और कलेक्टर कुलदीप मितान बनकर कार्ड देने आएंगे। उल्लेखनीय है कि यह निकाय क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया पहला प्रकरण था। मंत्री भूपेश बघेल जी है, कांग्रेस के सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। एक योजना बहुत ही धरातल पे बहुत ही मजेदार है। पब्लिक, आम गरीब जनता जो है उकर लिए बहुत ही सराहनीय मतलब पहल करे है भूपेश बघेल जी। मतलब आप लोग मालूम है, जाति प्रमाण पत्र बनाए जाना है तो कचहरी के चक्कर लगा। आज भूपेश बघेल जी की मंशा ये है कि घर में आए, एक फोन के माध्यम से कॉल करी पब्लिक है और उकर घर मतलब जही एजेंट है, एजेंट के रूप में जो हमारे कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो उमन जही और वो बोली कि भाई आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो हर डॉक्यूमेंट तो पूरा दे दो, हम वो डॉक्यूमेंट्स ला आप लोग पूरा सबमिट करके बना के आपके पास हम ला के दे दो। इतना सराहनीय काम छत्तीसगढ़ के सरकार कर रहे थे, भूपेश बघेल कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ ऐसा छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री पाके आज पूरे छत्तीसगढ़ गदगद है। बालोद से केपी चंद्राकर की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।